वेलकम बैक वंस अगेन टू व्लॉग्स विद रजनी। और देखो एंगल कितना बढ़िया आ रहा है मेरे इस वाले ट्राइपॉड से, जो सेल्फी मोड वाला भी है, मतलब इस टाइम सेल्फी स्टिक वाला वो है इसका। पता नहीं मैं क्या कहती हूँ आजकल। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सभी का। और अभी सुबह का 10 बजा हुआ है, तो मैं सोचा चलो व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। तीसरा दिन है आज, व्लॉग तो कंटिन्यू बना रही हूँ, लेकिन परसों का व्लॉग अब तक मैंने शेयर नहीं किया है, मन ही नहीं हो रहा है। और अभी साफ़ सफाई सब निबट चुकी है इधर, ये देखो। और यहाँ पर एक वेब सीरीज़ है जो मैंने चलाई हुई है थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, बट अभी म्यूट कर दिया है। बेटी आज कॉलेज नहीं गई है, तो बेटी यहीं पर है और डस्टिंग कर रही है दूसरे रूम में, उसने गाने चलाए हुए हैं। तो इधर देखो मैंने किया है दरवाज़ा बंद, तब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और व्लॉग शुरू कर रही हूँ। बात क्या कर रही हूँ, व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और ये हिल रहा है मेरे हाथ से, थोड़ा कंधों में दर्द ना सर्दियों में मेरे बढ़ जाता है। और आप सोचते होंगे कि ये एसी इसमें दिखती है, मतलब जब आप व्लॉग देखोगे ना मेरे 2-3, तो आप लोग को लगेगा ये एसी में ही दिखती है रोज़। बट क्या करूँ, कंफर्टेबल है ना, जो कपड़ा कंफर्टेबल होता है तो डेली में हम उसे ही पहनना प्रेफर करते हैं। मेरी तो यही आदत है, आप लोगों की क्या है भाई, मेरे ख्याल से तो सभी की होती होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आज है 29 नवंबर। मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको सबको पता होगा मेरे बड़े भैया का बर्थडे है, जो अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं है, बट कोई बात नहीं, बर्थडे है उनका। तो मैं छोटा मोटा कुछ ना कुछ करती ज़रूर हूँ, करते हैं मतलब अपने जैसे घर में हम कर लेते हैं ना अपना उस तरीके से। तो थोड़ा सा अलग सा मैंने कहा चलो मैं खाना बनाती हूँ, और मतलब निकाल के खाना या तो गाय को खिलाऊंगी या फिर मंदिर में दिलवा दूंगी बच्चों के हाथ से। मतलब ऐसे तो सोचने वाले सोच सकते हैं ये क्यों कर रही है, मतलब बट मेरा मन हुआ तो मैं कर रही हूँ। कल भी दिलवाया था मैंने वैसे, मैं दिलवा रही हूँ आजकल मन को शांत करने के लिए, कह लो या कुछ भी कह लो, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ। लेकिन हाँ, भैया का बर्थडे पे मैं या तो हलवा वगैरह कुछ ना कुछ मैं बनाती हूँ, क्योंकि आज के दिन का एक क्रेज़ है मुझे तो इसलिए। तो मैं बना रही हूँ, वैसे आज मैंने भिगाया हुआ था राजमा, उसकी प्रिपरेशन मैंने कर ली है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ देख कैमरा से। तो यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली है, मिक्सी में ही पीसा है। और अभी मैंने इसे छोकने के लिए देखिए राजमा, पहले राजमा देख लेते हैं। राजमा बिल्कुल इतना अच्छा उबला है, लेकिन हाँ 2 बार उबाला है मैंने आज। पहले उबाला, हल्का सा सोडा भी डाल करके उबाला कि एकदम ऐसा हो जाए हाथ पे रखो और एकदम घुला घुला सा मतलब, लेकिन हुआ ही नहीं। फिर मैंने 2 सीटी एक्स्ट्रा लगाई। अभी कढ़ाई रख दी है और उसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल आप लोग देख रहे हैं मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। और सारे मसाले टमाटर की प्यूरी में ही मैंने ऐड कर लिए हैं, सौंफ, धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी, नमक, दैट्स इट। अभी इसमें मैंने हींग जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाला है। उसके बाद वो जब उसमें चटका आ गया है, तो मैंने टमाटर की प्यूरी विद मसाले डाल दी है और उसको धीमी आंच पर चलाते चलाते अब मैं इसको पकाऊंगी। और अगर इसे छोड़ देती हूँ ना तो लगने का डर लगता है, तो इसलिए मैं हल्के हल्के हाथ से इसको चला रही हूँ। और ये रेसिपी मैंने बिल्कुल भी देखो फास्ट मोड पर नहीं डाली है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा रेसिपी के लिए। और जैसे आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आज थोड़ा स्पेशल डे है। वो क्या है वो आप टाइटल से भी समझ गए होंगे और स्टार्टिंग में देख करके भी समझ गए होंगे, बार बार उसका क्या ही जिक्र करना। तो बस यहाँ पर देखिए मसाला भुन चुका है अच्छे से, काफ़ी कलर आज पता नहीं, कभी कभी होता है जब मेरा जो फ़ोन का कैमरा है वो बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाता है ग्रेवी के कलर को या सब्जी के कलर को। तो आज का जो कलर है वो आप लोगों को मे बी लग रहा होगा कि हाँ आज इसका ग्रेवी का कलर सही लग रहा है। तो मेरी यहाँ पर मसाला भुन करके हो गया तैयार, और पता नहीं मैं इसे छोड़ करके शायद कहीं इधर उधर निकल ली हूँ, क्योंकि घर में छोटे मोटे काम लगे रहते हैं। और जब मुझे मसाला मैं भूनती भूनती हूँ ना, तो मैं सिम गैस करके और अपना कुछ कर लेती हूँ। तो अभी बस होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है राजमा, उसमें पानी भी डाल दिया है और अभी इसको अच्छे से पकाऊंगी।
और इधर मैंने गैस पर वो भी रख दी है चावल बनने के लिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बनाई है अपने लिए कॉफ़ी, चीनी मैंने इसमें डाली नहीं है। और इधर बेटी को जरा थोड़ी सी लग रही थी तो उसने साफ़ सफाई करने के बाद बलून वलून फुला रही है वो, और क्लिप भी उसी ने ही तैयार की है ये। तो अभी 12 बज चुके हैं, काम सारा निमट चुका है, नहाना धोना। यू आर सीइंग माय वीडियो, और वो देखो उधर बैठी है। तो मेरा सारा काम हो चुका है, पूजा वगैरह सब हो गई है, और अभी बस ये रह रहा है, अभी बाद में करूँगी। और आज मैंने ये वाला सूट पहन लिया है, इसकी ना बाजू क्योंकि थोड़ी ढीली ढीली सी हैं तो कंधों में दर्द नहीं होता है इस वजह से। और हालांकि मुझे थोड़ा गर्म ज़्यादा लगता है ये, गर्म अगर वुलन पहन रही हूँ मुझे लग रहा है मुझे इसमें थोड़ी देर बाद गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, बट हल्का फुल्का भाई वुलन तो अब जब पहनना पड़ेगा। नवंबर का लास्ट चल रहा है, 29 हो गई है, कल ख़त्म हो जाएगा। तबीयत ख़राब करने से तो अच्छा है ना। और देखो रोशनी कितनी कम है ना, यहाँ पर लग तो रही है वैसे काफ़ी, बट फिर भी कर्टन डले हुए हैं ना। कर्टन हटा करके देखो, ये वाला नहीं हटाऊँगी क्योंकि ये ऐसे नीचे इसमें दबाया हुआ है, ये देखो कितनी रोशनी आती है। बट कर्टन हटा के साइडों से ना हवा आती है इसलिए नहीं हटाती हूँ। तो अभी चलती हूँ, खाने वाने का काम पूरा कर लेती हूँ, लाइट खोलते हैं और इसको लगा देते हैं स्टैंड पर। तो जैसे आप देख पा रहे हैं किचन एकदम मैंने समेट दी है, बर्तन जो भी थे सब क्लीन कर दिए हैं इधर। तो यहाँ पर ये मेरा राजमा बन चुका है जो मैंने कढ़ाई से निकाल करके इसमें कर दिया है। और इधर मेरी चावल जो है वो बॉइल्ड हो चुके हैं, नाश्ता हो चुका है सबका। मैंने आज कश्मीरी पुलाव बनाया था बेटे के लंच के लिए, वो स्कूल गया हुआ है। तो अभी आटा मैंने बना लिया है, पूरी बनाती हूँ और हलवा फटाफट। तो अभी बस मैं उतार लेती हूँ फटाफट पूरी, फिर लगा देती हूँ भोग। और मैंने बोला मुझे हलवा भी बनाना, लेकिन फिर मैंने हलवा नहीं बनाया। और साथ ही यहाँ पर मैं कर रही हूँ रायता तैयार, और बहुत ही इजी होता है ये वाला रायता। तो इधर मेरा खाना लग करके तैयार हो गया है, भोग लगाना है बस मुझे, और मैंने अभी हलवा नहीं बनाया है, पता नहीं बस मैंने अभी नहीं बनाया। तो अभी शाम का समय हो गया है, लगभग बजे होंगे 6:30 के करीब, पूजा वूजा करके और मैं और मेरी बेटी हम लोग थोड़ा सा ऐसे घूमने के लिए भी बाहर को चले गए, मन कर रहा था मेरा जाने का। और अब जब मैं वॉइस ओवर करूँ तो मेरा आज भी कर रहा है, बट मैं नहीं जा पाई। हेलो, आज 29th of November है और आज मेरे बड़े मामा का बर्थडे है। ऑल्दो वो फिज़िकली यहाँ पे नहीं है बिकॉज मतलब वो एक्सपायर हो गए थे काफ़ी टाइम पहले, बट आज उनका बर्थडे है तो मैंने छोटी सी पार्टी की प्लानिंग की है, बिकॉज ऐसा मेरे नाना जी भी कहते हैं और महाराज जी भी कहते हैं और मैं भी अब टोटली मानती हूँ कि मतलब एक सोल होती है, वो बॉडी नहीं होती मिली, सोल होती है वो किसी ना किसी उन्हीं में होती है हमेशा। तो वील प्रे बेस्ट फॉर देम फॉर हिम एंड वो जहाँ पे भी होंगे उनको ब्लेसिंग लगी जाएंगी। तो मैंने हम ये थोड़ा सा सामान लेके आए थे, ये सामान कुछ ये मेरे भाई साहब की फरमाइश थी मेरे भाई की। और मैं कोचिंग गई थी 4 बजे, तो मैं वहाँ से जब आई थी तो मैं केक लेके आई थी, और सुबह मैंने अच्छे से सफाई वफाई की सारी, मैंने सुबह सारी सफाई वफाई की। और उसके बाद फिर क्योंकि बैलून्स ऑलरेडी रखे थे तो मैं लेके तो नहीं आई थी, जो रखे थे वही बस फुला लिए थे क्योंकि वही फुलानी महाभारत होती, बिकॉज हमारे पास जो मशीन थी वो टूट गई थी, पता नहीं खो गई थी याद नहीं मुझे, तो मैंने बैलून्स फुलाए थे ये। और अब हम थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी पापा बाहर गए हुए हैं कुछ काम से, तो जब वो आ जाएंगे तो हम केक कटिंग करेंगे और फिर थोड़ा कुछ जो हम लेके आए हैं वो खाएंगे पियेंगे। और मामा का मूड थोड़ा डाउन रहता है इन दिनों, पूरे नवंबर ही, बिकॉज मामा गए भी नवंबर में थे, अर्ली नवंबर में, ऐसे आई थिंक 9th या तो 10th नवंबर की बात हो, तो मम्मा का पूरे नवंबर के मंथ में ऐसे ही रहता है मूड, और आज कुछ ज़्यादा डाउन होता है। तो मैं थोड़ा चीयर अप करने के लिए कि थोड़ा उनका मूड लिफ्ट अप अपलिफ्ट हो जाए, क्या कह रही मैं अपलिफ्ट हो जाए, उसके लिए जो कर सको वो कर देते हैं। तो बस अब तक यही, आगे की क्लिपिंग मम्मा देखेंगी। ओके बाय। और यहाँ पर जैसे आपने बेटी की बातें सुनी ली होंगी,
तो वो लेकर के आई है ये केक, और बच्चों को दोनों को ही अच्छा लगता है सेलिब्रेशन तो। और सही बताऊँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा तो मैंने बच्चों के हाथ से ही कट करा दिया था केक, और बेटी ने मतलब टीका कर दिया था अपने भाई को, मतलब बस कर दिया था क्या ये। तो यहाँ पर हम लोग एक फोटो खींच रहे थे। तो इधर बेटी केक लेकर के आई थी छोटा सा, जैसा उसने आपको बता दिया, क्योंकि वीडियो एडिट करने के लिए मैंने वीडियो देखी है अभी। फोटो ले लो, और ये देखो क्या कर रहा है नया पकड़ गया, चलो अरे थंबनेल लिख रहा है। और अभी इनको छोटी सी इनकी पार्टी भी चलेगी, तो चलिए बस इतना ही था सेलिब्रेशन।